यू। वाकई बहुत शानदार पार्टी रखी है तुमने। अरे मेरी खूबसूरत बीवी का बर्थडे जो है आज, इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। कम क्या जरूरत थी समीर को इतनी बड़ी पार्टी देने की, इतना खर्चा करने की और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलाने की? अरे आप तो जानते हैं ना समीर को, ये सब कुछ उसने नैना की खुशी के लिए किया। आप है ना अपना मूड ठीक रखिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। होप यू एंजॉय इन द पार्टी। अरे समीर, ये तो वही लड़की है ना हाईवे वाली? बहुत खराब है, वो उस अस्पताल में भर्ती है, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही, मुझे प्लीज हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए प्लीज। ठीक है आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी बिंदिया। ये यहाँ कैसे? हैप्पी बर्थडे नैना। हैप्पी बर्थडे। ये इसका पति है? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? बिंदिया तुम यहाँ? बिंदिया, माय नेम इज शैला नॉट बिंदिया। बाय द वे मीट माय हस्बैंड वीर। प्लेजर टू मीट यू। क्या बकवास है, आई मीन तुम बिंदिया ही हो, उसे हमने तुमने लिफ्ट दी थी। नो 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 नो, मेरा नाम बिंदिया नहीं, मेरा नाम शैला है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। Happy birthday. Waiter, let's have a drink. Yeah, sure. ये क्या हो रहा है? बिंदिया अपने आप को शैला क्यों कह रही है? तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगा था। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। कविता, ये समीर इस औरत के साथ उस कमरे में क्यों जा रहा है? यहाँ पार्टी चल रही है, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। पापा जी, ये समीर कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया इसे? अरे इसे तो किसी ने गोली मार दी है। समीर बेटा। समीर क्या हुआ? समीर समीर, अरे ये तो मर चुका है। चारू माँ। हाँ बाबा। आज दिन भर से अभय नहीं दिखा, कहाँ गया है? दादा शहर के बाहर गए हैं, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है दादा को। कहाँ गया है? पता नहीं बाबा, कुछ बताया नहीं उन्होंने। मुझसे भी कुछ बता के नहीं गया। आ जाएंगे बाबा, अब क्यों इतनी चिंता करते हो? हाँ चारू माँ, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि आप मेरे पापा हो। है, अपनों का ही चिंता होता है। इतना सा था, अब इतना बड़ा हुआ है, अपना है ना, इतना बड़ा किया है पाल पोष के, तो चिंता तो होगा। पता है बाबा, अभी अब सो जाओ। हाँ चारू माँ, सोने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या बाबा?
ये तो चिट्ठी है बाबा। किसकी चिट्ठी हो सकती है? तुम खुद ही पढ़ के देख लो किसका लेटर है। मालिक आपका काढ़ा रख लो। कल कोई आपसे मिलने आ रहा है, एक हफ्ते रुकेंगे। किसका था? कोई ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी मेरा भातीजा, थोड़ा दूर का ही सही लेकिन बहुत मेरा प्रिय है। बहुत साल हो गया देखे, आएगा मेरा साथ रहेगा, बड़ी खुशी होगी। ये तो अच्छी बात है बाबा, लेकिन अब ना आप सो जाओ, मुझे ना दांत में बहुत दर्द है, बिना दवाई लिए मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तुम जाओ दवा लेके सो जाओ। ठीक है बाबा। जाओ। सर इसके शरीर पे तो गोली लगने का कोई भी निशान नहीं। मुंह में झाग देखा? जहर का मामला लगता है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है खाने पीने में जहर मिलाया होगा किसी ने। देखिए समीर की मौत जहर से हुई है, लेकिन सर गोली चलने की आवाज तो ऊपर से आई थी सर। हाँ सर, गोली चलने की आवाज यहाँ पर सारे लोगों ने सुनी है। जरा ऊपर चेक कर लो। कहाँ जा रहे हो? वो मुझे देखिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। चलिए। क्या खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से समीर की मौत हुई है? सर सर क्या बात कर रहा है, हमारे यहाँ खाने पीने की चीजों में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सर मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पता चल ही जाएगा सर। ऊपर के कमरे में एक लड़की की लाश है। माय गॉड, सर गोली तो इसे लगी है। गोली यहां पे चली है और लोगों को लगा कि समीर को गोली लगी है। बड़ी पूर्वी कमरे की तलाशी ले लो, कहीं यहीं कहीं होनी चाहिए। कौन है ये लड़के, कोई पहचानता है इसे? शायला। कौन शायला? सर डोंगी औरत है, कभी कहती है बिंदिया हो, कभी कहती है शायला हो। पता नहीं क्यों ये हमारा पीछा कर रही थी। एक मिनट, क्या मतलब आपको? इन दिन पहले वो आधी रात को हाईवे पे मिली थी। अब कहाँ है हॉस्पिटल? ये सामने वाली गली में ही है। नैना दीदी आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे भी हौसला रहेगा, प्लीज चलिए ना। हाँ क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हो क्या? चुपचाप बैठे रहो, और तुम बहुत हो गया ड्रामा, उतरो। नैना दीदी प्लीज चलिए ना मेरे साथ प्लीज। अरे उसका हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से, चलो उतरो उतरो जल्दी। ठीक है सर, हमने तो इसे यहाँ पे बुलाया भी नहीं था सर। सर आज अपने इस पति को लेकर आ गए सर। क्या चक्कर है ये,
कौन है तुम? सर मैं निर्दोष हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर, सर मैं उसका पति नहीं हूँ। क्या मजा की? मैं उसको जानता तक नहीं सर, एक छोटा सा एक्टर हूँ सर, थिएटर में प्ले करता हूँ सर, एक छोटा सा ग्रुप है, एक रिहर्सल में मुझे शायला मिली थी और उसने 25,000 रुपए देने का वादा किया था सर इस एक्टिंग करने के लिए सर। सर कमरे में कोई गन नहीं मिली। हाँ सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जब हम यहाँ आए थे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर गन गायब कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं फ्रेडी, इस रिसॉर्ट में ही पता चलेगा वो गन कहाँ है और जहर कहाँ से आया। इतने लोग क्यों हैं यहाँ पर? हो सकता है हमसे मिलने आए हो। अजीत सुबह हो गई है, अपने सपनों से बाहर निकलो, जरूर कुछ हुआ है यहाँ पे। काका तुम किस दादा देखो ना पापा को क्या हो गया, पापा हमें छोड़ के चले गए दादा। पापा कल रात को ही मुझे बताया कि आप आने वाले, बहुत खुश थे कि आपसे मुलाकात हो, अब देखो आज हो गया। कैसे हुए? हमेशा बीमार ही रहते थे, कल रात को हार्ट अटैक आ गया उनको। काका का सब कोई ख्याल रखते थे फिर भी ऐसा कैसे हो गया? अमिता शेर से क्या बीमारी थी इनको? पापा को दिल की बीमारी थी और लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। एमुन लगते कि मालिक को रात में दौरा पड़ा और वो बिछना से नीचे गिर गए, जब हम लोग आए तो वो नीचे ही थे। इसमें तो मालिक का औषध था। क्या सोच रहे हो ब्योमकेश? मैं सोच रहा हूं कि दिल का दौरा पड़ने से नाक से खून कैसे निकलता है, और चूहे मारने वाला जहर किस बीमारी का इलाज है? चूहा मारने की दवाई है इसमें? हाँ, और नाक से खून भी आया है और उंगलियों और कलाई में चोट के निशान भी हैं। तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक से नहीं, चूहे मारने की दवाई से मरे? हाँ जी। अच्छा ये किसने दिया था काका को? अनुराग ने, वो हमारे घर पे काम करता है। अनुराग ने नहीं, मालिक का शॉप औषध तो अभिदा खुद बनाते थे, अनुराग ने तो केवल ला करके उनको दिया था। कहाँ है अनुराग? किचन में है। गला काट दिया इस चूरे से, मैंने तुम्हारे काका को मारा। अभी से अगर गला काटा तो इसके नाक से खून क्यों आ रहा है? और ये देखो इसके सर के बाल कितनी आसानी से निकल के आ रहे हैं। मतलब इसकी मौत गला काटने से नहीं हुई, इसकी भी मौत चूहा मारने वाले जहर से हुई। गला तो इसलिए काटा ताकि ये किसी को कुछ बता ना पाए, पर किसी को चूहे मारने वाली दवाई क्यों खिलाएगा?
इसकी मौत खाने से नहीं हुई है, इसकी मौत जहर के कॉन्टैक्ट में आने से हुई है। एक सेकंड रुको। ये देखो जहर, जब ये जहर मिला रहा होगा तो उसका एक अंश इसके नाखून में आ गया। तो अब जहर का पता चल गया, तो अब उसको ढूंढना बाकी है। तुम पुलिस को बोलो। ठीक है, मैं हॉल में ढूंढता हूँ। हाँ अजीत, एक सेकंड रुक, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अगर ये रोज जहर मिलाता होगा तो जहर उसने जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा है किचन में। ठीक है, ढूंढो उधर। ये है वो जहर। तो इसका मतलब अभय ने इन दोनों को मार डाला। तुम अभय पे इतना शक क्यों कर रहे? अरे क्योंकि वही तो तुम्हारे काका को वो चूहे मारने की दवाई मिला के खिलाता था। सर, लाश, खाने का सामान और ग्लासेस फोरेंसिक भेज दिए। गुड, जहर जो है खाने के सामान में ही होगा, पता चल जाएगा। तुम एक काम करो। सर, अगर आप लोगों का पूछताछ पूरा हो गया तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। कब से देख रहा हूँ बहुत बेचैन नजर आ रहे हो तुम, हैं? कौन है ये आदमी? सर मैं नहीं जानता इन्हें। कविता जी और नैना जी, आप जानते हैं इस आदमी को? सर इधर हमको कोई नहीं पहचानता, जो पहचानता था वो बेचारा तो चला गया। झूठ मत बोलो, यहां से कोई नहीं गया। सर हम सुमित का बात बोल रहे हैं। सुमित वो पहचानता था हमको। अरे सर, हमारा नाम अभय, अभय, हम सुमित का पीआर एजेंट है। सर हम बंगाल से बिलोंग करते हैं सर। हाँ बंगाल से। हाँ सर, अभय। हाँ सर, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है, इसी ने खून किया है। और सर वो गन भी इसी ने छुपाई है कहीं पे। अरे यार गन के पीछे क्यों पड़े हो, गन मिल जाएगी। पहले सबके एड्रेस और फोन नंबर ले लो। ओमकेश, मैं अभी भी इतना सोच रहे हो क्यों? अजीत, जिस दिन इंसान सोचना छोड़ देगा उस दिन इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, पर जिस तरह चैत्र महीने में आकाश एकदम साफ होता है बिना बादलों के, ये केस तो उतना ही साफ है। अच्छा, अरे इस घर में दो दो खून हुए, चूहे मारने के जहर से, और एक ही आदमी है जो लापता है, वो है अभय। उसका तो फोन भी नहीं लग रहा, और पुलिस भी यही कह रही है ना, खून ही वही है। मुझे कितने दिन से जानते हो अजीत, तुम जानते हो कि पूरी दुनिया ऐसे सोचती है, ब्योमकेश बख्शी वैसे नहीं सोचता। और सिर्फ कोई इंसान गायब है इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर शक करें। अच्छा तो तुम बताओ कौन खूनी है? ये अभी बताना बहुत जल्दी होगा, लेकिन तुम ये सोचो, भद्रलोक काका को ये जहर बहुत महीनों से दिया जा रहा है, और अनुराग के हाथ से कितने दिनों से जहर निकल रहा है। हाँ, मुझे ये बताओ, अभय को सिर्फ उसी दिन भागने की जरूरत थी जिस दिन काका का कत्ल हुआ। ये तो वही बात हुई ना कि मैं खूनी हूं, मैं भाग रहा हूं, मुझ पर शक करो और आओ मुझे पकड़ लो। बैठ जाओ जी। मुजरिम इतना बेवकूफ नहीं है अजीत कि वो इतनी आसानी से हमें उस पर शक करने देगा। बहुत लंबी प्लानिंग है। अब तुम ये कह रहे हो तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो मुझे बताओ, अभय गायब है, आज के दिन उसे इस घर में किसी ने नहीं देखा, तो फिर वो अनुराग का खून कैसे कर सकता है? और जहां तक काका की बात, तो काका की दौलत से अभय को कोई मतलब नहीं था, ये बात मुझे काका ने खुद बताई थी। इसका मतलब बात कुछ और है।
कैसे पता लगाया जाए कि क्या मामला है? उस चूहे मारने वाली दवाई से, जिसने एक दिन में इस घर में 2 लाशें बिछा दी। बस इस लड़की को कमर में गोली लगी है यहां, और वो भी एकदम सीधी लाइन में, मतलब 180 डिग्री के एंगल से। सालू के साहब, ये कैसे पता चलता है कि गोली बिल्कुल सीधे लाइन में मारी गई है? फ्रेडी, डॉक्टर सारंगी को पूछ रहे हो, ये आपको कैसे पता चलता है? बता दे सारंगी। देखो फ्रेडी, 180 डिग्री का मतलब क्या? एकदम सीधे। अब एक नॉर्मल हाइट का आदमी अगर सीधे गोली मारेगा तो गोली लगेगी यहां पर, इसे गोली लगी यहां। अब कोई इंसान ऐसे तो गोली चलाएगा, इसे गोली लगी है इसका मतलब वो आदमी उस हाइट का है जो इसकी कमर पे गोली सीधी चला सके, या तो वो बैठा हुआ है या कम हाइट का, कुछ भी हो बॉस, लेकिन मैं बता रहा हूं इस लड़की को 180 डिग्री के एंगल से गोली लगी है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, और वो भी 10 फीट की दूरी से। अच्छा डॉक्टर साहब, जहर के बारे में कुछ पता चला जिससे समीर की मौत हुई? हाँ सचिन, इन सारे ग्लासेस में से सिर्फ इसी ग्लास में जहर के कुछ अंश मिले। समीर ने इसी ग्लास में से ड्रिंक पिया और वो मर गया। किस तरह का जहर है ये? प्रिया, इस जहर का नाम है स्ट्रेप्टोटाइन। लेकिन सर, इस ग्लास से किसी को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ग्लास तो पार्टी में हर जगह घूम रहा होगा, सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स होंगे इसके ऊपर। सचिन, वैसे भी जिसने भी जहर भरा इस ग्लास में, वो सबके सामने तो नहीं भरेगा ना, कहीं कोना पकड़ के कहीं एक बाजू में जाकर ही भरा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो बस। ये देखो, ये क्या है सालों के साथ? सचिन, ये इस ग्लास के बेस का रिम है, और ये नीला इसलिए है क्योंकि इसके रिम में हमें साबुन के कुछ ट्रेसेस मिले। हमने बाकी सारे ग्लासेस के बेस टेस्ट किए, लेकिन सिर्फ इसी ग्लास में जिसमें जहर था उसके बेस पे साबुन मिला है। अरे लेकिन इसकी रिम पे साबुन आया कहां से? किसी ऐसी जगह से जहां पर साबुन हो। सर, पार्टी तो हॉल में चल रही थी, सारे लोग हॉल में ही ड्रिंक कर रहे थे। सचिन, किसी भी पार्टी हॉल में कहीं पर भी रेस्टरूम तो होता ही है, वॉश बेसिन तो होती है। सर, इस लड़की की हम पहचान कैसे करेंगे, ये शायला है या बिल्लिया? इसका फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में भेज दो, कोई ना कोई तो पहचान लेगा इसे, पता चल जाएगा हमें। हाँ पूर्वी। अच्छा, नैना और उसकी फैमिली ब्यूरो में आ गए, ठीक है। क्या बात क्या है? सर, लगता है मुसीबत ने हमारा घर पहचान लिया, हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। हाँ, हर रोज एक नई मुसीबत। एक मिनट, जरा बताइए क्या हुआ एग्जैक्टली, बताइए। सर, जब से समीर हम लोग को छोड़ के गए हैं, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है सर। ये देखिए उसने क्या दिया। अकेले में मिलो, कुछ बात है। आज शाम 7 बजे किसी भी तरह घर से बाहर निकलो और मिलो। ये फोटो भेजी है, इसमें तो आप बिल्कुल बिल्कुल अलग लग रही है सर। मुंबई क्या सर, ये तो इंडिया के बाहर की लग रही है फोटो। सर, ये मैं हुई ही नहीं, ये मेरी फोटोज नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। ये आपकी फोटोज नहीं है तो फिर ये आदमी चाहता क्या है? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन वो पार्टी में से जो बार बार जाने के लिए कह रहा था ना, वही अबे, उसे मैंने कई बार हमारे घर के आसपास मंडराते हुए भी देखा है। मुझे लगता है कि समीर और उस औरत का खून भी उसी ने किया है, और अब वो मुझे भी मार डालना चाहता है। देखिए सर, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारी बहू की सेफ्टी से मतलब है सर। हम तो यहाँ भी नैना के कहने से आ गए, बाकी अभी तो हमें नैना के घर के बाहर निकलने में भी खतरा लगता है।
नहीं नहीं देखिए अब बिल्कुल घबराइए मत, नैना को कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारा एक ऑफिसर तुम्हारे साथ कायम रहेगा, ठीक है? पूर्वी इन्हें बाहर छोड़ो। सर चाहिए। थैंक यू सर। सर खूनी खून करने से पहले ऐसे किसी के सामने क्यों आएगा? वही तो, और फिर ये फोटोग्राफ्स देखकर तो लगता है कि ये मॉर्फिंग किए हुए है ही नहीं, और नैना तो कह रही है कि ये उसके फोटो है ही नहीं। ये सारा चक्कर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत रिसोर्ट जाके पता लगाना पड़ेगा ये जहर बाथरूम में मिलाया किसने, और वो गोली चली कहां से। ब्योमकेश मुझे पता लगा है कि तुम्हारे काका के घर पे जो राशन है वो इसी दुकान से जाता है, और ये चूहे मारने की दवाई भी रखता है। अच्छा चलो पता करते हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते। आपके पास चूहे मारने वाली दवाई होगी है ना? लेकिन आप लोगों को तो पहले कभी देखा नहीं। नहीं हम तो अभी नए नए आए हैं। अच्छा अच्छा तो कितना चाहिए, एक पैकेट ना दो पैकेट? दो किलो। दो ही किलो? अरे बाप रे, आपको चूहे मारने की दवाई चाहिए या फिर भाजी? अरे नहीं नहीं, वो भद्रलोक काका है ना, हम उनके बगल में रहते, तो आपने उनको 10 किलो भिजवाया था तो हमें भी लगा उधर चूहे होंगे। ना ना 10 किलो नो है, अढ़ाई किलो। हाँ वो अभय दादा है ना, भद्रलोक काका का भतीजा, उनको दिया था मैंने, उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया। आपको आपको मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, दुकानदार से पूछा था कि किसने चूहे मारने वाली जहर खरीदी? नहीं, उसने बिना पूछे हुए बता दिया। और क्या तुमने काका के घर पे कभी चूहे को देखा, किसी भी चूहे, कभी भी? नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अभय इतना पागल होगा कि किसी लोकल बनिए से चूहे मारने वाली दवाई खरीद के किसी को मारेगा, और शक बिल्कुल उस पर जाएगा? नहीं। कभी किसी आम आदमी को 2.5 किलो चूहे मारने की दवाई खरीदते हुए देखा है? कभी नहीं। जब बिना पूछे हुए कोई किसी की तरफ इशारा करता है या कहता है कि वो खूनी है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो उसको फंसाना चाहता है। इसका मतलब ये दुकानदार अभय को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और जो खूनी है उसको बचाना चाहता है, और मुझे लगता है कि अभय को भी खूनी पे शक है। कौन खूनी? इसका मुझे शक, और इसलिए मुझे अभय के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। और मैं? तुम उस पे नजर रखो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। यह है सोप डिस्पेंसर, और ये देखिए वॉश बेसिन का एरिया अभी भी गीला है, बुरी तरह गीला है। इसका मतलब वाइन ग्लास उसने यहीं कहीं रखी थी। आपने बुलाया सर मुझे? हाँ, ये बताओ पार्टी में आने वाले लोग वॉशरूम में आके भी ड्रिंक्स करते हैं क्या? हाँ सर, कभी कभी करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कल रात जब समीर और शैला की मौत हुई तो तुमने वॉशरूम में किसी को आते हुए देखा, हाथ में वाइन का ग्लास लेके, या फिर तुमने कुछ देखा हो उन्हें ग्लास में कुछ मिलाते हुए? हाँ सर याद आया, एक आदमी सूटबूट में आया था हाथ में ग्लास लेके, उसने वॉशरूम तो यूज नहीं किया पर अपने हाथ जरूर धोए थे। हाथ धोना तो सिर्फ उसका बहाना था, वो तो सिर्फ ग्लास में जहर मिलाना चाहता था। ठीक है मैं तुम्हें कुछ फोटोज दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। इनमें से कोई है? नहीं सर। ये? नहीं सर। ध्यान से देखना। हाँ सर ये था। माय गॉड, मतलब जहर अभय ने दिया। सर शायला की लाश यहां गिरी थी, मतलब गोली लगने से पहले वो यहां खड़ी हुई। सारुंके साहब के मुताबिक गोली 180 डिग्री से बिल्कुल सीधी लगी है उसको, तो उनके हिसाब से
गोली यहां से चलनी चाहिए। मगर सर दीवार से? अगर खूनी यहां नहीं खड़ा था तो गोली चली कहां से और गन कहां गए? सर दीवार तो खोखली भी नहीं दिख रही है। इस दीवार पे गन फिट नहीं की गई, गोली इस दीवार से नहीं चली है, कोई और दीवार है। अगर यहां से गोली चलती तो शायला ऐसे गिरती, सर इस तरफ और पैर इस तरफ, लेकिन जब हम आए तो शायला का सर इस तरफ था और पैर उधर। मतलब गोली कैबिनेट। सर गोली कैबिनेट से चली? हाँ गोली यहां से चली है। सर पता चल गया सर, वाइन के ग्लास में जहर अभय ने मिलाया था। अभय ने? सर गन का कुछ पता चला? पता चला गोली कहां से चली है? अरे यार पता चल गया, थोड़ा थोड़ा वेट करो, हैं? इधर आ जाओ तेरा देख ले। माय गॉड, रुबी जरा थोड़ा किनारे आ जाओ। तुम्हारी गन यहां पे है फ्रेडी। ओह, इसका मतलब समीर ने शायला को यह ड्रॉवर खोलने के लिए कहा होगा और जैसे ही शायला ने यह ड्रॉवर खोला उसे गोली लग गई। हाँ सर, समीर ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि अभय उसे मारने की प्लानिंग करेगा। इस अभय के मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रैक करो, रिसॉर्ट के मैनेजर से पूछताछ करो। कुछ दिन पहले इस कमरे में कारपेंटरी का काम किया गया है क्या? अरे ब्योमकेश दा, आपने वेदिके को था? इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं ऐसे अपने कमरे। लेकिन आपका कमरा तो उस तरफ है। अच्छा इस तरफ? हाँ मैं भूल गया, मुझे लगा इधर है। चलो तुम यहाँ क्या करो? मैं आपके लिए दूध लाया था दादा। तुम मेरे लिए? जी क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। अरे गरम है। थैंक यू, तुम जाओ मैं जाता हूँ। लड़की कौन है और इसकी तस्वीर अभय ने इतना संभाल के क्यों रखा है? ये कुछ लिखा हुआ है यहां पर, किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की और कांचपाड़ा रोड मुंबई। इसका मतलब अभय मुंबई गया है। सर अभय यही रुका हुआ है, उसके फोन का लोकेशन यही ट्रेस हुआ है। अलर्ट रहना, भागने की कोशिश भी कर सकता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है भाग गया। क्या रुका? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं ऑफिसर,
कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, प्राइवेट जासूस, और इतना तजुर्बा है मुझे कि मैं जान सकूं कि कौन क्या है। ब्योमकेश बख्शी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर, सर अभय मर चुका है। क्यों मारा ऐसे? मैंने नहीं मारा, जब मैं आया तो वो मर चुका था। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे था उसने उसको मारा है, उस जूस में जहर मिलाकर। आइए। मौत तो इसकी जहर से ही हुई है। तुम इससे यहां मिलने क्यों आए थे? क्या जानना चाहते थे तुम इससे? कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो बंगाल में मेरे काका के खून से जुड़े हुए। यहां भाई के ऊपर भी एक खून का इल्जाम है। जी, भद्रलोक काका को किसी ने चूहे मारने वाली जहर से मारा था, और जब मैं उसकी छानबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अभय मुंबई आया हुआ है। छानबीन के दौरान मुझे ये फोटो, सर नैना, हाँ सर, इसी के पति को अभय ने मारा था ना? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अभय इसी की तलाश में मुंबई आया था, और शायद यही कारण है जिसकी वजह से आज वो मर गया। अच्छा, तुमने उस खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, जब मैं यहां आया तो खूनी बेडरूम के दरवाजे से बाहर भाग रहा था। मैंने पीछा करने की कोशिश की लेकिन आपने रोक लिया। हालांकि मुझे इतना पता है कि खूनी एक औरत है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बहुत आसान है। अभय और खूनी यहां बैठ के जूस पी रहे थे, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को जानते थे, और वो औरत यहां बैठी थी। एक मिनट, धागा? ये तो सिल्क का धागा है। जी हाँ, साड़ी के सिल्क का धागा, और मैं ये भी जानता हूं कि किसके साड़ी के सिल्क का धागा है। किसकी है? इसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, रेडी जयवंती, इनके साथ जाओ, तब तक हम इस नैना से मिलते हैं, पता तो चले ये पूरा माजरा है क्या। सर, शायला मेरी बेटी है, अखबार में छपी उसकी फोटो देखकर मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, हमें बहुत दुख है कि शायला अब ये सब कैसे हुआ सर? ये देखिए, ये नैना है, इसकी बर्थडे पार्टी में शायला को गोली लगी थी। सर, ये नैना नहीं है, ये तो चारू है। क्या? चारू? अजीत, ब्योमकेश इस लॉज में, जल्दी करो, मुझे लगता है वो सामान वामान बांध के भागने की तैयारी में। तुम यहीं रुको, अगर वो यहां से आया तो पकड़ना। ठीक है। कहां जा रही हो? बहुत जल्दी में दिख रही हो। दादा? मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, और ना ही तुम चारू। सच्चाई तो यह है कि तुम भद्रलोक काका की बेटी ही नहीं हो। सर, हमारे बंगाली पड़ोसी भद्रलोक की बेटी है, इसी को तो ढूंढने हमारी बेटी यहां आई थी। और सर, ये ब्योमकेश भी बंगाल से किसी भद्रलोक की मौत की छानबीन करने के लिए आया है। तो ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जरा इस चारू के बारे में पूरी बात बताइए। सर, जब चारू 5 साल की थी तो भद्रलोक की पत्नी उसको लेकर घर से बाहर कहीं चली गई थी। भद्रलोक जी ने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, और अपने भतीजे अभय के साथ मनाली में रहते हुए कारोबार संभालने लगे। तो ये अभय और भद्रलोक चारों के घर वाले हैं, और वो नैना वो इनकी चारू है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि उसके बाद से भद्रलोक जी चारू से मिले नहीं? नहीं सर। तो फिर ये असली चारू यहाँ कब कैसे आई मुंबई में, और ये समीर की बीवी कैसे बन गई? इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि एक दिन जब भद्रलोक को उनकी बेटी चारू का फोन आया कि वो दिल्ली में है और वो उनसे मिलना चाहती है, अब है उस वक्त मनाली से बाहर था। भद्रलोक जी उससे मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया सर। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि मैं और शहला
शहर से बाहर थे। किस वक्त वो अभय के साथ बंगाल चले गए सर कुछ नहीं पता। तो फिर ये शायला चारू को कैसे जानती थी? सर शायला और चारू ये उसमें एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब शायला ने चारू की फोटो ऑनलाइन नाना के नाम से देखी तो उसे शक हुआ और वो उसे बचाने के लिए मुंबई आ गई। तो आपने ये बात भद्रलोक को क्यों नहीं बताई? सर भद्रलोक के एक्सीडेंट की वजह से उन्हें और सदमा नहीं देना चाहते थे। तो लगता है ये अभय भी उन फोटोज के जरिए नैना को बताना चाहता था कि वो नैना नहीं चारू है। सवाल ये उठता है कि ये असली चारू यहाँ पे नैना बन के क्यों बैठी हुई है? और वो लड़की कौन है जो बंगाल में भद्रलोक जी के साथ चारू बन के रह रही है? फटाफट अरे जल्दी कर खाना नहीं खाएगा क्या करते हो तुम लोग प्लीज छोड़ो मुझे प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज कोई है प्लीज मुझे छोड़ दो जल्दी जल्दी लगा जल्दी करो मुझे नैना नाम का लड़की का नामो निशान मिटाना है। फिकर मत करो साहब अब उन्हें ना सब हो जाएगा। माँ अरे ना बहू ना अरे बेटा रो मत है ना हम लोग यहाँ पे तू ना नैना है और ना ही हमारी बहू है अब तुझे कोई पहचानता ही नहीं इस दुनिया में तो तू हो या ना हो इस दुनिया में उससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। मामा मामा भी क्या कह रहे मामा प्लीज जल्दी करो हेल्प क्या सीआईडी यहाँ हट 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 तोड़ो लोगों को दीवार में चुनवाने का जमाना खत्म हो चुका है। क्यों किया तुमने ये सब क्यों मारना चाहते थे तुम चारू को बताओ जल्दी। मैं और कविता 20 साल से बहुत सारे लोग के पास काम कर रहे थे इस उम्मीद से कि उनका करोड़ों का जायदाद हमारे नाम हो जाए। भद्रलोक सारी जायदाद हमें देने वाला था क्योंकि उसकी बीवी और बेटी का कोई पता नहीं था और अभय को जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की को 22 साल बाद अपना बाप याद आ गया लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या आप लोग सच में मेरे साथ से सुन रही है क्या समीर मेरे पति नहीं थे नहीं वो सब झूठ था इन तीनों की चाल थी तुम्हारे पिता भद्रलोक की दौलत हड़पने के लिए और तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए इन तीनों ने फिर शायला और अभय दोनों को रास्ते से हटा दिया। हम भद्रलोक और चारों दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे जब भद्रलोक चारू को मिलने दिल्ली जाने वाले
दौलत के लालच में तुमने बाप बेटी का एक्सीडेंट करवाया। तुम्हें पता था कि अगर भद्र लोग अपने बेटे से मिल जाए तो सारी दौलत अपने बेटे के नाम कर देगा। पता नहीं बार बार ये लोग बच जाते थे, क्या किस्मत थी इनकी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद चारू की याददाश्त चली गई। हाँ, हमने बहुद्रा लोग को होश आने के बाद हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और वो नैना को चारू समझने लगा। क्यों, भद्र लोग जी जानते नहीं थे कि आपकी बेटी है? नहीं, हमारी बेटी नैना हमेशा मुंबई में ही रही थी। भद्र लोग ने नैना को कभी नहीं देखा था। ने मनाली में भद्र लोग को जान का खतरा कहकर हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर भद्र लोग के साथ बंगाल भेज दिया। एक्सीडेंट की वजह से चारू की याददाश्त चली गई। बस इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोगों ने अपने भाड़े का टट्टू समीर उसके साथ उस बेचारी की शादी करवा दी और नाम भी बदल दिया उसका, चारू से नैना कर दिया। जी हाँ, शायरा और अभय चारू को सब असलियत बता देना चाहते थे, इसलिए हमने उन दोनों को हमारे रास्ते से हटा दिया। चुलुक अंकल को चूहा मारने की दवा मैं टॉनिक कहकर पिलाती थी ताकि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जाए और अगर अगर मौत भी हो जाए तो वो नेचुरल लगे। एक बार दौलत हाथ में आ जाए तो चारों को भी मारने वाले थे। लेकिन तुम तीनों का प्लान धरा का धरा रह गया, भांडा फूट गया तुम्हारा। भद्र लोग तुम्हारी करतूतों का शिकार तो बन गया पर उसकी बेटी चारू अभी भी जिंदा है। चारू को मिलेगी भद्र लोग की सारी दौलत और तुम तीनों को मिलेगा फांसी का फंदा। थैंक यू ब्योमकेश, आपकी वजह से चारू और नैना की गुत्थी सुलझाने में हमें बहुत मदद मिली। अरे नहीं, धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए। ये केस मेरा निजी मामला था लेकिन आप लोग की मदद से मेरे काका और उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। वैसे ये केस सॉल्व करने में मैंने भी थोड़ी सी मदद की है तो अगर मुझे भी धन्यवाद चाहिए। हाँ चलो फिर घर चल के देते। नमस्ते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।